मित्रों, भगवान शंकर के प्रमुख गणों में से एक है नंदी, जिन्हें बैलों में सबसे उत्तम माना गया है। वैसे बैलों को शांत स्वभाव और मोह माया से दूर रहने वाला समझा जाता है। साथ ही बैल बल के अलावा शक्ति और शांति का भी प्रतीक है। लेकिन मित्रों, एक सत्य ये भी है कि जब शांत से दिखने वाले इस बैल को क्रोध आता है तो वो शेर से भी भिड़ जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने वाला हूँ जिसमें भगवान नंदी ने क्रोधित होकर पूरे ब्राह्मण वंश को ही श्राप दे दिया। और मित्रों, ये ऐसा श्राप था जिसका दंश आज भी ब्राह्मण झेल रहे हैं। तो आखिर क्यों आया भगवान नंदी को क्रोध और किसके कारण उन्हें देना पड़ा ये श्राप, जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर। एक बार फिर शिव पुराण में उल्लेखित इस कथा के अनुसार भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद ही शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञाता बनाया, जिसके बाद अल्पायु में ही नंदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। छोटे नंदी को इस तरह तपस्या करते देख भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने नंदी के समक्ष प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं हमेशा आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। आप ही मेरे आराध्य हैं और मेरे सब कुछ भी, इसीलिए मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। अपने पति नंदी के इस समर्पण को देख भोलेनाथ भी बेहद खुश हुए। उन्होंने सबसे पहले नंदी को अपने गले लगाया और फिर नंदी को बैल का चेहरा देकर उसे अपने वाहन और अपने गणों में सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया। मित्रों, इसके बाद से नंदी को भगवान शिव के न सिर्फ वाहन बल्कि सबसे प्रिय सखा के रूप में भी पूजा जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के इस सर्वोत्तम गण अर्थात नंदी ने पूरे ब्राह्मण वंश को श्राप क्यों दिया था। तो मित्रों, शिव पुराण में ही मिलने वाली इस दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा जी समेत भगवान विष्णु और भगवान शंकर को भी आमंत्रित किया गया। भगवान शिव सहित सभी देवतागण यज्ञ की आहुतियों में लीन थे। तभी वहां भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष पहुंचे। प्रजापति दक्ष को देख यज्ञ में उपस्थित राजा और देवगण उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मदेव और भगवान शिव अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। ये देख दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, इसीलिए वो मेरे आदर में खड़े नहीं हुए, लेकिन शिव तो मेरी बेटी का पति है, इस नाते उसे मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। ये सोचते ही दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसके उत्तर में भोलेनाथ ने सिर्फ इतना कहा कि वो यज्ञ की अग्नि को देख रहे थे और उस समय यज्ञ की अग्नि से अधिक पूजनीय कोई और चीज नहीं थी। अपने जमाई के मुख से इन शब्दों को सुन राजा दक्ष का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा, जिसके बाद हाथ में जल लेकर उन्होंने भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा कि आज से शिव किसी भी यज्ञ के भागी नहीं होंगे। वो उसी समय शिव को यज्ञ से निष्कासित करते हैं। मित्रों, ये सुनकर भगवान शिव तो मौन रहे, लेकिन उनके गण नंदी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भी श्राप देते हुए कहा कि दक्ष ने भगवान शिव को एक साधारण मनुष्य समझकर श्राप दिया है, तो मैं भी दक्ष और उनके इस श्राप को मौन होकर सुनने वाले हर ब्राह्मण को श्राप देता हूँ कि वो सभी लोग ज्ञान रहित हो जाएंगे और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें घर घर भिक्षा मांगनी होगी। और मित्रों, कहा जाता है कि भगवान नंदी के दिए इसी श्राप के कारण ब्राह्मण घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।